प्रेजेंट टीचर। हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। देखिए, हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ समान प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? समान प्रतीत होता है, परंतु उनमें अर्थ की दृष्टि से देखा जाता है। अगर अर्थ के आधार पर देखा जाता है तो उनमें बहुत अंतर होते हैं। उनमें क्या होते हैं? बहुत ही अंतर होते हैं। ऐसे शब्द एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहलाते हैं, जो देखने में लगता है कि एक समान इनका अर्थ आएगा, किंतु ऐसा होता नहीं है। उनके अर्थ में बहुत अंतर होता है, डिफरेंस होता है। जैसे आप हम देखेंगे अनुरोध को ले लेते हैं। अनुरोध एक शब्द है और दूसरा शब्द क्या है? प्रार्थना है। एक शब्द अनुरोध और दूसरा शब्द प्रार्थना है। देखिए, दोनों पढ़ने में ऐसा प्रतीत हो रहा है एक ही समान है। यह दोनों ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक ही समान है, जबकि ऐसा है नहीं। अनुरोध और प्रार्थना, देखिए अनुरोध का अर्थ होता है आग्रह पूर्वक विनती, आग्रह पूर्वक विनती, जबकि प्रार्थना का अर्थ होता है विनम्रता पूर्वक विनती की जाना। जैसे यहाँ पे आग्रह पूर्वक हम क्या कर रहे हैं? किसी से विनती कर रहे हैं, आग्रह पूर्वक कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे हम विनम्रता से विनती करने का कार्य कर रहे हैं। तो दोनों में अंतर हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे तो अनुरोध कर रहे हैं, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपसे अनुरोध कर रहे हैं, समान प्रतीत तो हो रहा है ना, लेकिन अर्थ की दृष्टि से दोनों का अर्थ अलग हो जाता है। अनुरोध का अर्थ होता है आग्रह पूर्वक विनती, जबकि प्रार्थना का अर्थ होता है विनम्रता पूर्वक विनती। देखिए डिफरेंस हुआ ना। इसी प्रकार यहाँ हम आज्ञा को ले लेते हैं और आदेश को ले लेते हैं। अब देखेंगे कि आज्ञा और आदेश में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। आज्ञा और आदेश समानार्थी प्रतीत हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों का अर्थ एक ही आएगा, जबकि ऐसा नहीं है। अब देखेंगे हम आज्ञा का क्या अर्थ है। जैसे में देखेंगे आज्ञा जो होता है, जो हमसे बड़ा होता है, यानी बच्चों से जो बड़ा व्यक्ति होता है, वह किसी कार्य को करने के लिए जो निर्देश देता है, उसी को हम आज्ञा कहते हैं। अपने से बड़ा व्यक्ति आज्ञा देता है। जो अपने से बड़ा व्यक्ति होता है, आज्ञा देने का कार्य वही करता है, जबकि आदेश को यहां हम देखेंगे तो आदेश कौन देता है? तो अधिकारी जो होता है, अधिकारी वह आदेश जारी करता है। आदेश देने का कार्य कोई अधिकारी करता है, जबकि आज्ञा देने का कार्य अपने से बड़ा व्यक्ति आज्ञा देता है, और अधिकारी क्या करता है? आदेश देता है, आदेश जारी करता है। इस प्रकार से आज्ञा और आदेश शब्द देखने में समानार्थी प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि अर्थ एक होंगे। लेकिन देखिए यहाँ अर्थ में भिन्नता मिली कि नहीं मिली? मिली ना, भिन्नता यहाँ में देखने को मिल रही है। दोनों अर्थ की दृष्टि से देखा जा रहा है तो दोनों के अर्थों में बहुत अंतर हो जा रहा है। आज्ञा आदेश, आज्ञा सिर्फ बड़ा व्यक्ति ही दे सकता है, जबकि आदेश देने का कार्य अधिकारी करता है।
ये तो हो गया एकादर प्रतीत होने वाले शब्द। ऐसे ही शब्दों को हम कौन से शब्द कहते हैं? ऐसे जो शब्द होते हैं उनको हम एकादर प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। अब इसके बाद देखिए हम देखेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो वाक्यांश शब्दों से मिलकर बनता है, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्यांश कहते हैं। तो वाक्यांश के लिए यहाँ पर एक शब्द यानी संक्षिप्त, एक वाक्य को एक संक्षिप्त शब्द में रख दिया जाता है उसे वाक्यांश कहते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे हिंदी भाषा में संक्षिप्तता लाने के लिए, हिंदी भाषा जो है उसमें संक्षिप्तता लाने के लिए अनेक शब्दों वाक्यांशों पदबंधों को एक ही शब्द में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? एक ही शब्द में लिखा जाता है, यानी उस पूरे वाक्य को एक संक्षिप्त रूप दे दिया जाता है जो एक शब्द हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे उदाहरण को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए परिश्रम करने वाला, जो व्यक्ति परिश्रम करने वाला होता है, ये तो एक देखिए अलग अलग शब्द है ना, परिश्रम अलग शब्द है, करने अलग शब्द है, वाला अलग अलग शब्द है। जबकि हम क्या कहे हैं इसका एक सार्थक समूह है ना, एक वाक्य बन गया, तो इस वाक्य को हम क्या करेंगे संक्षिप्तता लाने के लिए हम क्या करेंगे इसको एक शब्द रख देंगे, एक शब्द में इसको लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, परिश्रम करने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे परिश्रमी कहेंगे, क्या कहेंगे परिश्रमी कहेंगे। अब देखेंगे आप दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, जो बच्चों को पढ़ाता हो, वाक्य है, इस वाक्य को हम क्या करेंगे संक्षिप्त करेंगे, एक शब्द लेंगे, तो जो पढ़ाता हो बच्चों को उसे क्या कहते हैं अध्यापक कहते हैं। इसी प्रकार से अगला देखेंगे जिसका अंत ना हो, जिसका कभी अंत ना हो, कोई अंत ही ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो एक शब्द हो जाएगा अनंत, अनंत का कोई अंत नहीं होता है, ये एक शब्द है वाक्यांशों के लिए एक शब्द ये लिखा जा रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे अगला जिसे जीता ना जा सके, जिसको कभी जीता ही ना जा सके, एक वाक्यांश है, लेकिन इस वाक्यांश को हम क्या करेंगे संक्षिप्त रूप में रखेंगे, संक्षिप्त रूप इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा अजेय, अजेय इसका संक्षिप्त रूप हो जाएगा। अजेय कहने से भी हमें बोध हो जाता है कि जिसे जीता ना जा सके उसी को हम अजेय कहते हैं, या फिर कह सकते हैं जो अधिक बोलता हो, जो व्यक्ति अधिक बोलता हो, तो इसमें कई शब्द मिलकर एक वाक्यांश बन रहे हैं ना, बना, लेकिन इसका संक्षिप्त रूप क्या होगा, इन वाक्यांशों के लिए हम एक शब्द रखेंगे, तो जो अधिक बोलता है उसके लिए क्या हो जाएगा, हाँ वाचाल हो जाएगा, ठीक ना। तो ये तो हो गया एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द, आपको समझ में आया, ठीक है, ओके, थैंक यू।